हे गाइस वेलकम टू बैक। तो आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा की। तो इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो कौन सी नोटिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पोस्ट कौन सी है, पूरी जानकारी हम आपको इस चैनल के जरिए देंगे। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। हो सकता है आप एलिजिबल ना हो, परंतु आपको अगर नोटिफिकेशन अगली सी प्रकार की जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, 10th प्लस 2 पास ग्रेजुएट अगर आपको, तो हम आपको पूरी जानकारी जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो आपको हम इस चैनल के जरिए देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप अदर स्टेट से हो किसी, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेट के गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहें हम, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सीरियल नंबर 1 है डॉक्टर की एक पोस्ट होगी, पार्ट टाइम में भरी जाएंगी। डिग्री क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, MBBS डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 25,000 आपकी सैलरी होगी। उसके बाद सीरियल नंबर 2 है बैंड मास्टर की एक पोस्ट होगी, कॉन्ट्रैक्टुअल बेस पर ये भरी जाएंगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लीजिएगा। और 19,766 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी, कॉन्ट्रैक्टुअल बेस पर ये पोस्ट भरी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है मैथ्स मैनेजर की एक पोस्ट भरी जाएगी, 10th पास है और एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलर ये पोस्ट होगी और सैलरी आपकी होगी 20,000 से 25,000 रुपये। इसमें डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन को पढ़िएगा आप और उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। अब एज की बात कर ले तो एज जो 18 से 50 साल के बीच आपकी होना चाहिए, ठीक है, एज 11 मार्च 2019 को, ठीक है। तो बाकी जो अप्लाई करना है आपने किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा .org वेबसाइट है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 बजे तक 11 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 500 रुपये का आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, DD बनाना पड़ेगा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, SBI, KCB, ठीक है, KCCB और RS 500, ये आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा के पेपर में। और कहीं से भी आप ड्राफ्ट या फॉर्म भेज सकते हैं, ठीक है, एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। और जो भी है इसका सिलेक्शन होगा वो हम आपको जानकारी दे देंगे। और TA DA वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए आप रिटन टेस्ट के लिए अटेंड करने जा रहे तो आपको कोई इसमें TA DA नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो मेन है फॉर्म कौन सी, तो फॉर्म ये आपको भरनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डॉक्टर पार्ट टाइम बैंड मास्टर ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्टुअल मैथ्स मैनेजर ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, ये फॉर्म भरनी पड़ेगी। उसके बाद नेम भरिए, फादर नेम भरिए, परमानेंट एड्रेस, कॉन्फिडेंस एड्रेस और कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 11 मार्च 2019 को क्या है, मटेरियल स्टेटस भरिए अपना, ठीक है, मैरिड अनमैरिड आप हो या नहीं है वो भरिएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनको आप भरिएगा। और उसके बाद एक्सपीरियंस है फैनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो लगा दीजिएगा। बाकी हॉबीज़ क्या है वो आप भरिएगा, और कंप्यूटर का आपके पास है कि नहीं है वो आपको भरिएगा, नॉलेज वगैरह। एप्लीकेशन फीस को DD डिमांड ड्राफ्ट आपको ओनली फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा HPN के फेवर में, पंजाब नेशनल बैंक, कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और बैंक कोड पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर भरी, एनी अदर डिटेल है तो वो आप भरेगा। सर्टिफिकेट कौन से लगाने आपने वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके पास है। और सर्टिफिकेट और उसके बाद डिक्लेरेशन कीजिएगा, नेम भरिए, प्लेस भरिए, डेट भरिए, सिग्नेचर कीजिए, और उसके बाद आप सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा हिमाचल प्रदेश का जो आपको एड्रेस बताया फॉर्म पे, तो उस पर आपने ये फॉर्म भेज देनी है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एड्रेस, इसको आप देख लीजिएगा और यहाँ पर आपको ये फॉर्म भेज देनी है, ठीक है। एक बार फिर दिखा देते हैं हम, टॉप पर देखिए सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर HP 17 61 10 ये पिन कोड है, यहाँ पर आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट करके भरेगा, इसको आप उसके बाद यहाँ पर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, आपको पसंद आए ना आए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।